गाइस माय सेल्फ मैस। इस वीडियो में एक आरसी ट्रैक्टर का मॉडल बनाऊंगा जो कि मैंने मैसी फर्गुसन की तरह डिज़ाइन किया है। ये फुली रिमोट कंट्रोल है जो कि 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी सेल पे ऑपरेट होता है। ये रियल ट्रैक्टर की तरह वर्क करता है। इसमें रियल व्हील ड्राइव, गियरबॉक्स, पावर स्टेयरिंग और हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इस वीडियो में मैं इसको कम्प्लीट बनाऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। गाइस मैंने पीवीसी शीट को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। टू पीसेस मैंने इस तरह के बनाए हैं। अभी इसके ऊपर पीवीसी शीट की हेल्प से एक 3 इंचेस लॉन्ग हम स्ट्रिप लगाएंगे। तो गाइस यहां पर मैंने ट्रैक्टर के मड गार्ड कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये दोनों मड गार्ड ट्रैक्टर की इस जगह पे कुछ इस तरह से स्क्रू की हेल्प से लगा देंगे हम। सो गाइस फाइनली इन मड गार्ड को मैंने स्क्रू की हेल्प से इनकी जगह पे इनको बिल्कुल फिक्स कर दिया है। ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इस स्टेप में पीवीसी शीट की हेल्प से हम ट्रैक्टर का फ्रंट पार्ट बनाएंगे जिसकी नीचे वाली साइड में इंजन लगा होता है। इसको हमारी जुबान में शो बोला जाता है। आपको स्क्रीन पे डायग्राम शो हो रही हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से पीवीसी शीट को कट करना है और इसको एक दूसरे के साथ सुपर ग्लू की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। तो ये बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल इसी शक्ल में आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रियल की तरह और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं इसको स्क्रू की हेल्प से मेन ट्रैक्टर पे फिट करूँगा। भाई जिसका ट्रैक्टर का नीचे वाला फ्रेम मैंने पहले से बना के रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इस ट्रैक्टर का पावर स्टेयरिंग सिस्टम, यहाँ पर मैंने गियर्स लगाई हुई हैं। इसका कंप्लीट पावर स्टेयरिंग सिस्टम की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं। तो गाइस आप इसके पीछे वाली साइड पे यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो कि मैंने एक टॉय कार फ्री व्हील मोटर को यूज़ करके बनाई है। ये बनाना भी काफ़ी सिंपल है। इसकी भी आप वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं वीडियो। अभी हमने यहाँ पर स्क्रू खोल कर इस पार्ट को यहाँ से अलग कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रियल व्हील ड्राइव गियर बॉक्स है जो कि मैंने खुद से तैयार किया है। तो गाइस ये गियर्स मैंने एक आरसी कार से निकाले हैं, इनकी फिटिंग मैंने यहाँ पर खुद की है। इस पीवीसी शीट पे एक कट लगाकर कुछ इस तरह से आप जितने ज़्यादा गियर्स ऐड करेंगे आपका टार्क उतना हाई हो जाएगा और आरपीएम आपके उतने लो हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने इसमें 5 गियर्स ऐड किए हैं और नंबर 6 जो मोटर के आगे है जिसको हम ड्राइव गियर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी इजी मूव होता है। ये गियर बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो अभी मैं इसको इसके साथ मोटर के साथ बैटरी लगा कर आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना ईजी मूव हो रहा है। तो अभी हम इसकी तमाम फिटिंग करेंगे, इसका फ्रंट टायर्स वाला पार्ट लगाएंगे, उसके बाद इसकी मड गार्ड लगाएंगे, इसका आगे वाला शो लगाएंगे। तो अभी मैं इसको जो है इसकी कंप्लीट फिटिंग करूंगा। गाइस यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है।
अब इससे आगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं इसको कलर करूंगा और इसके साथ रिमोट कंट्रोल रिसीवर ट्रांसमीटर अटैच करूंगा। आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।